What's up class 11th? Welcome back to the channel. As you all know, my name is Ajay Arora and हम लोग लेकर आते हैं आपके पास बहुत सारे videos regarding accountancy, business studies and economics. हम लोग बात कर रहे थे emerging modes of business के बारे में, यानी कि इस chapter का एक part आपके पास आ गया. आज discuss कर रहे हैं second part और second part में ही chapter को खत्म करेंगे. तो दो वीडियोस देखो और चैप्टर हो जाएगा आपका समाप्त. इस तरीके से रिवीजन करते जाओ फटाफट से और बहुत अच्छा स्कोर करके आना. चलिए शुरू करते हैं. इस चैप्टर में भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी डिफिकल्टी फील कर रहे हो तो फील फ्री टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको दिखाई दे रहा होगा. ये सारे पिक्चर्स के नोट्स साथ साथ बनाना, क्योंकि नोट्स बहुत यूजफुल रहते हैं टू रिवाइज थिंग्स वेरी फास्ट. नोट्स के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल प्रेफर कर सकते हैं. टेलीग्राम पे आपको ये सारे पिक्चर्स और यूजफुल वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो चलो यार चैप्टर पूरा करते हैं. सबसे पहले है हमारे पास प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग. प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि अगर हम लोगों ने ऑनलाइन डीलिंग करनी है तो किस तरीके से हम लोग प्रोसीजर है, किस तरीके से हम लोग डील करेंगे, क्या हम कर सकते हैं. अब देखो प्रोसीजर में ना दो लोग होते हैं, एक तो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू और एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. तो अभी जो हम ये प्रोसीजर आपके सिलेबस का पार्ट है वो है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. फर्म पॉइंट ऑफ व्यू आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो जब भी प्रोसीजर आएगा तो ध्यान रखना कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिखना है. अब अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने वाले हो तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, अपना नाम देना पड़ता है, अपना डेटा देना पड़ता है, अपना एड्रेस देना पड़ता है. सारा का सारा डेटा वो क्या है, एक तरीके का रजिस्ट्रेशन है. उसी में आपको उसके बाद डिटेल डालने के बाद आप शॉपिंग कर पाओगे. तो फर्स्ट यू व्हाट यू हैव टू डू इज रजिस्ट्रेशन. जिस भी वेंडर के साथ या जिस भी आप सॉफ्टवेयर को यूज करके या एप्लीकेशन को यूज करके शॉपिंग करोगे वहां पे आपने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना है. देन यू हैव टू प्लेस योर ऑर्डर. उसके बाद आपने क्या करना है, अपना ऑर्डर प्लेस करना है. आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप अपने कार्ट में प्लेस कर दो और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा. उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है, पेमेंट. जो कि पेमेंट करने के आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज के टाइम में. हम लोग एक मॉडर्न जमाने में आ चुके हैं जहाँ पे पेमेंट के बहुत सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी हो गया, चेक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग आपके पास अवेलेबल है, डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर डिजिटल कैश जिसपे आजकल कैशबैक भी बहुत सारा आता है, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं डिजिटल कैश में आजकल चल रहे हैं. तो ये था गाइस प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग. आप एनसीईआरटी से रीड करोगे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट इज ई बिजनेस रिस्क. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. अब देखो तीन तरीके के ई बिजनेस रिस्क होते हैं, आपको याद रखना है. ट्रांजेक्शन रिस्क, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क एंड रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी. तीनों को मैंने इधर डिस्कस करा है, जल्दी से डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आता है ट्रांजेक्शन रिस्क. अब देखो ध्यान रखना इसका जो टेक्निक है वो है डीओपी, डॉप आपने याद रखना है. ट्रांजेक्शन रिस्क में डॉप होता है. डॉप का मतलब यहाँ से डिलीवरी, ऑर्डर और पेमेंट. अब ध्यान देना जैसे ही आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो बहुत सारे रिस्क बढ़ जाते हैं. क्या वो रिस्क है, सबसे पहले डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी. डिलीवरी से क्या मतलब है कि आपका जो आपने सामान मंगाया वो राइट एड्रेस पे डिलीवर नहीं हुआ, सही एड्रेस पे डिलीवर नहीं हुआ, गलत एड्रेस पे चला गया, या आपने जो मंगाया था वो बिल्कुल सेम वो चीज नहीं आई, वो सब कवर हो जाता है डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी में. इसके बाद आता है डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग. सेलर कह रहा है मेरे पास तो कोई ऑर्डर ही प्लेस नहीं हुआ, बायर कह रहा है मैं ऑर्डर प्लेस कर चुका हूं. इस तरीके का उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग. तीसरा आता है डिफॉल्ट ऑन पेमेंट. अब बायर जो है वो बोल रहा है कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट एडवांस करा था, बट सेलर कह रहा है मुझे कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ. इस तरीके का पेमेंट में कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो वो किसमें आता है, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट. याद रखना है डीओपी, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड डिफॉल्ट ऑन पेमेंट. ये था गाइस ट्रांजेक्शन रिस्क, आई होप आपको क्लियर है. सेकेंड है डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क. डेटा को स्टोर करते टाइम या फिर ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब शेयर करते टाइम कुछ ऐसे रिस्क आ जाते हैं
जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उसमें मेनली दो होते हैं। एक होता है वायरस, जिसको बहुत अच्छे से आप जानते हो, दूसरा होता है हैकिंग। वायरस क्या होता है? एक ऐसी चीज जो अपने आप को बहुत जल्दी रेप्लीकेट करता है। रेप्लीकेट का क्या मतलब है गाइस? मल्टीप्लाई करता है। कि आपके अगर लैपटॉप में आ गया गलती से, तो वो पता नहीं कितने ही लैपटॉप्स में बहुत इजीली पहुंच जाएगा थ्रू पेन ड्राइव्स, या जो भी डेटा शेयर करोगे, एक्सचेंज करोगे, उसमें सब जगह फैल जाएगा और वो बहुत सारा आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करता है। तो वो आ जाता है सबसे पहले वायरस। इसके बाद हैकिंग। हैकिंग क्या है कि आपके अकाउंट में कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस है। अनऑथराइज्ड एक्सेस से मेरा कहने का क्या मतलब है कि अकाउंट तो आपका है लेकिन यूज कोई और कर रहा है। ध्यान देना इस चीज को, आपका पासवर्ड आपको पता था बट किसी और ने आपका पासवर्ड कहीं से लीक कर लिया, हैक कर लिया, उसको बोलते हैं हम लोग हैकिंग। ये भी किस में आता है? डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। उसके बाद लास्ट होता है रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। देखो यार, अगर कोई चीज इंटरनेट पे आ गई तो उसको कॉपी करना बहुत आसान है। कोई भी आपका डेटा का स्क्रीनशॉट ले सकता है, कोई भी किसी भी तरीके से उसको बहुत इजीली डाउनलोड करके उसका मिसयूज कर सकता है। तो वो किस में आ जाता है? रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। तो ये मेजर तीन ई बिजनेस रिस्क होते हैं जो हमारे ऑनलाइन प्रोसीजर में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस में हुआ करते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये सारे के सारे तीनों रिस्क क्लियर हुए। अगर एक बार दोबारा देखें तो बिना देखे बोलना, ट्रांजेक्शन रिस्क जिसमें आता है डीओपी, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, ऑर्डर टेकिंग गिविंग, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। उसके बाद डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, उसमें वायरस और हैकिंग, और लास्ट क्या आता है? रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी, यानी कि रिस्क ऑफ बीइंग कॉपीड। ये सब किसमें आ जाता है? ई बिजनेस रिस्क। लास्ट टॉपिक के बारे में अगर बात करूं तो वो है आपका आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है गाइस? बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक, स्पेशली इन इंडिया। हमारा इंडिया बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है आउटसोर्सिंग के लिए। आउटसोर्सिंग के लिए क्यों? क्योंकि हम लोग अपना काम आउटसोर्स करते हैं, हम लोग बाहर से काम लेते हैं जो आउटसोर्स होकर हमारे पास आता है। क्या होता है देखो आउटसोर्सिंग? इट मींस कॉन्ट्रैक्टिंग आउट द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का क्या मतलब है? कि हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करके अपना कुछ काम किसी और को बाहर दे देंगे जो हमारा काम करके देगा। यानी अपना काम किसी और से करवाना, किसी अदर एक्टिविटी, किसी अदर बिजनेस से करवाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटसोर्सिंग। इट मींस कॉन्ट्रैक्टिंग आउट द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अब देखो यार, इस टॉपिक ने ना एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक होती है कोर एक्टिविटीज और एक होती है नॉन कोर एक्टिविटीज। कोर का मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन कोर का मतलब जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। हम लोग ऐसी एक्टिविटीज आउटसोर्स करते हैं जो कि नॉन कोर है। नॉन कोर का मतलब क्या है? कि वो इतनी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग उनको खुद नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि अगर हम अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आउटसोर्स करेंगे तो फिर हमारा बहुत सारा डेटा लीक हो जाएगा, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है चली जाए, जो कि हमारे लिए फ्यूचर में हार्मफुल हो सकती है। तो जनरली कैसी एक्टिविटीज आउटसोर्स होती हैं? नॉन कोर। इसके बाद नीड फॉर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों? नंबर वन, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। अब देखो यार, अगर आप अपना नॉन कोर एक्टिविटीज आउटसोर्स कर रहे हो तो जिस कंपनी को आप आउटसोर्स कर रहे हो वो उस काम में एक्सपर्ट है। आपके लिए तो नॉन कोर है, आप इतने अच्छे से उसको नहीं करोगे, लेकिन उनके लिए वो कोर है, वो उसी चीज में स्पेशलाइज्ड है, वही काम वो बार बार करते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो उनसे करवाने पे आपको एक्सीलेंस मिल जाएगा। नंबर टू, फोकसिंग अटेंशन। अगर आप अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज आउटसोर्स कर देते हो तो आप अपनी कोर एक्टिविटीज पे बहुत इजीली फोकस कर सकते हो, आपको उस सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर इंसान के पास दो काम है तो उसका अटेंशन हमेशा इधर उधर होता है, लेकिन अगर एक ही काम है तो वो इजीली फोकस कर सकता है। तो नॉन कोर आउटसोर्स कर दो, कोर खुद से करो, आपकी अटेंशन आपके काम के ऊपर बना रहेगा। देन लास्ट क्या होता है गाइस? कॉस्ट रिडक्शन। अब देखो, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? अगर आप बहुत सारा काम, अगर मैं किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के बारे में बात करूं तो वो लोग बहुत सारे लोगों का काम करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके पास डेटा आता है और सारा काम करते हैं। तो वो इतने बड़े लेवल पे करते हैं कि उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? कि लार्ज स्केल पे काम करो तो कॉस्ट हमेशा कम आता है। तो हम लोग अगर उनसे काम करवाते हैं तो हमें बहुत सस्ता में करके देते हैं, एज कम्पेयर टू अगर हम लोग खुद करें तो हमारा खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। इसीलिए इसमें एक्सीलेंस भी मिलता है और कॉस्ट भी कम आता है। तो ये है गाइस 3 पॉइंट्स जो है नीड फॉर
आउटसोर्सिंग. अब आते हैं कंसर्न्स. कंसर्न्स का मतलब क्यों आउटसोर्सिंग एक डाउटफुल चीज है, क्यों इंसान इसको आउटसोर्सिंग करने से पहले सोचता है कि यार करूं या ना करूं. सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कॉन्फिडेंशियलिटी. मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि अगर आप अपना काम किसी बाहर वाले इंसान से कराओगे तो आपका बहुत सारा डेटा उसको मिलेगा, आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स उसको मिलेंगी जो कि वो यूज कर सकता है आपके अगेंस्ट, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है अगर उसने वो डेटा आपके कॉम्पिटिटर को दे दिया या फिर मार्केट में सप्लाई कर दिया, तो दैट विल बी अ वेरी हार्मफुल सिचुएशन फॉर द कंपनी. नेक्स्ट क्या आता है, रिसेंटमेंट इन होम कंट्रीज. रिसेंटमेंट इन होम कंट्रीज का क्या मतलब है, देखो यार आप लोग अगर वही काम अपने कंट्री से करवाते तो वहां पर भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होता. आपने क्या, अगर आप वो काम बाहर दे दिया तो आपकी कंट्री में हो सकता है बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो और बाहर काम चला गया तो आपकी होम कंट्री थोड़ा सा रिसेंटमेंट फील करेंगे, उन्हें इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था कि हमारे कंट्री में काम मिले, हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन आपने सारा काम कहाँ दे दिया, बाहर दे दिया, तो इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ रिसेंटमेंट इन होम कंट्रीज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इथिकल कंसर्न्स. इथिकल कंसर्न से क्या मतलब है गाइस, अगर हमने ये काम किसी डेवलपिंग कंट्री को दे दिया, डेवलपिंग कंट्री का मतलब जो कि डेवलप हो रहा है और वहां पे जो काम करवाया जाता है वो चाइल्ड लेबर चलता है या फिर वुमेन ओरिएंटेड की वुमेन से एक्सेसिव काम कराया जाता है या मेन के केस में भी बहुत ज्यादा काम कराया जाता है जो कि इथिकली करेक्ट नहीं है, तो उस सिचुएशन में इथिकल कंसर्न्स अराइज हो जाते हैं कि आप काम तो करवा रहे हो लेकिन आप काम जायज नहीं करवा रहे हो, नाजायज करा रहे हो, यानी ठीक से आप काम नहीं करा रहे हो, तो दैट पॉइंट विल बी इथिकल कंसर्न्स. तो ये तीन चीजें चेक करो, सब कुछ ठीक है तो देन गो फॉर आउटसोर्सिंग, अदरवाइज ध्यान से. तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो क्लियर हुआ. टॉपिक को खत्म करते हैं, चैप्टर को खत्म करते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के साथ. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना.